भैया देख बिना ब्रेक के डाउनलोड टक ऐप। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इससे संबंधित सभी रिपोर्ट सरकार को भेज दिए हैं और ये पैरवी की है कि PFI पर प्रतिबंध लगाया जाए। पता जा रहा है कि UP में CA और NRC के विरोध में जो हिंसा हुए थे उसमें PFI की अहम भूमिका थी और जांच के बाद पुलिस के हाथ कुछ ऐसे अहम सबूत लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि PFI ने फुल प्लान के साथ हिंसा को अंजाम दिया था। लेकिन इसी बीच इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल PFI पर बैन की बात उठते ही CAA और NRC को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र अब खुलकर PFI के समर्थन में आ गए हैं। छात्रों का कहना है कि योगीराज में जो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे या तो जेल में डाल दिया जाएगा या फिर गलत तरीकों से बदनाम कर दिया जाएगा। CAA के खिलाफ जो एक्ट आया था, ये काला कानून आया था, पास हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद पे लगातार चल रहा है। 15 तारीख को यहाँ पर एक हंगामा सा हुआ, उसके बाद से यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ हो गई, तब से कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है। दिन में चल रहा है, रात में चूँकि ठंडक हो जाती है, लड़कियाँ भी चली जाती हैं, तो दिन में हम लोग इसलिए कंटिन्यू कर पा रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट भी नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है हॉस्टलों में, और जिस दिन आ जाएगा तो हम ये 24/7 कर देंगे इंशाल्लाह। तो PFI का भी सपोर्ट की बात कही गई है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हर उस आवाज़ को समर्थन दिया और उस आवाज़ को अपोज किया है जो देश के लिए अच्छी हो, उसको समर्थन किया चाहे वो कोई भी हो, और अगर खिलाफ में है, देश के खिलाफ में है, तो उसको हमेशा खिलाफ में किया है, क्योंकि ये नोट ऑफ डिसेंट हमारा है, हम किसी से एग्री या डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इन्होंने जिस तरह वो निकाल के रखा है, बाकायदा इस तरह चल रहा है एक तरीके से टारगेट करना, मुझे तो बस एक सबूत ये बताएं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कौन सा ऐसा शख्स इनको ये लगा कि वो आतंकवादी है, आज तक नहीं मिला। लेकिन चूंकि बात यह है, इनको हर वो आवाज़ बुरी लग रही है जो इनसे सवाल कर रही है। इनको फैजुल हसन अगर सवाल कर रहे हैं तो आतंकवादी लग रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और फैजुल हसन नाम है। इनको हर उर्दू वाला नाम वाला बुरा लग रहा है, तो इस सरकार को चाहिए कि ये नफरत निकाले। बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAB को लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तनाव को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास कड़ी सुरक्षा तैनात है। माना जा रहा है कि छुट्टियों की वजह से AMU में अभी विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या कम है, लेकिन छुट्टी के बाद एक बार फिर AMU स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले CAA के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का प्लान चल रहा है। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, UP तक।